तो गाइस हम लोग कारवी धाम पहुंच चुके हैं। वाटरफॉल जो है देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा और बारिश भी हो रही है अभी, तो और अच्छा लग रहा है। आइए आप लोग कैमरा में कम है। ये देखिए गाइस कितना बेहतरीन नज़ारा, इधर नीचे फॉल है आप लोग देख सकते हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। यहाँ रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर में बसा हुआ है ये फॉल हम लोगों का। ओके ज़्यादा खाई है नीचे बहुत ज़्यादा, उधर वाटरफॉल है, उधर मंदिर है, उधर मंदिर भी है, उधर मंदिर है, इधर फॉल है। ऐसा लगेगा आप लोगों की मेघालय पहुँच गया, कितना हरा भरा नज़ारा, क्या ही बेहतरीन मौसम और नज़ारा है यहाँ का, हरा भरा ऐसा नज़ारा आप लोगों को बस झारखंड में देखने मिलेगा। तो भाई चलिए आप लोगों को फॉल के और नज़दीक ले चलते हैं, एकदम क्लोज व्यू दिखाते हैं आप लोगों का फॉल का। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कितना ऊंचा से कितना नीचे पानी गिर रहा है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है इस फॉल की, लेकिन हम लोग नीचे नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता नहीं है नीचे जाने का। ऊपर से आप देख सकते हैं नीचे तक का नज़ारा। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं आप, मुझे इस वीडियो में वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि जो पानी गिर रहा है ना झरना से, इसका काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा आवाज़ है, काफ़ी बेहतरीन आवाज़ है, सुनने में काफ़ी मज़ा भी आएगा। आप अकेले शांत रह के सुनिएगा, फील करिएगा, तो इसलिए, लेकिन आवाज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है इस वीडियो में। तो आप इंजॉय करिए आवाज़ को, जो झरने के पानी से गिर रही है, फील लीजिए, आनंद लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर गाइस। गाइस अगर किसी को इस फॉल का लोकेशन पता करना हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में, तो मैं आपको